नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके स्माइल 3.0 की होमवर्क चल रहे हैं तो अगस्त महीने के। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो कि आपका 27 अगस्त का। यहाँ पर आपको दिनांक 26 ही देखने को मिलेगी क्योंकि एक दिन लेट चले, दिनांक एक दिन पीछे चले क्योंकि एक दिन आपकी छुट्टी हो गई थी। ठीक है, तो ये दिनांक दोस्तों आपको 27/8/2021 की आपकी वर्कशीट है कक्षा 12 राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस की। तो दोस्तों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टॉपिक का नाम है नियोजन के मुख्य परिणाम। ठीक है, अध्याय 3 है जो कि है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के नाम, यहाँ पर विद्यालय का नाम आपको फिल कर देना। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्यान्न संकट के दौरान भारत में किस देश की विदेशी सहायता पर निर्भर हो गया था। तो हमें बताना है कि किस देश की जो विदेशी सहायता पर भारत निर्भर हो गया था। तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका, यूएसए। चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा, देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर हो गया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दोस्तों जब हरित क्रांति आई थी तो उसके बाद हमें बताना कि कितनी बैंक थी जिनका दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था हरित क्रांति के जो बैंकों का, उसके बाद जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 निजी बैंकों का हुआ था। 14 आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति क्या थी, इसके कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। अगर दोस्तों इस सॉल्यूशन की आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए aglashi.com। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो गूगल पर जाकर aglashi.com सर्च कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 का, हरित क्रांति क्या था, इसके कोई 2 सकारात्मक परिणाम हमें बताएं। चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति क्या थी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। हरित क्रांति कृषि की पैदावार में वृद्धि करना था जिससे देश में खाद्यान्न पदार्थ को बढ़ाना था, जिसमें संसाधनों को ऐसी जगह लगाना जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी और किसान बेहतर थे। तो ये तो आपकी हरित क्रांति के बारे में जानकारी हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक परिणाम देख सकते हैं, हरित क्रांति से देश में फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषि उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि हो गई। तीसरे के खेती पहले सिर्फ पेट भरने के लिए की जाती थी, हरित क्रांति आने के बाद खेती के परंपरागत तरीकों में परिवर्तन हुआ और खेती व्यावसायिक दृष्टि से की जाने लगी और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई उसमें से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो हमें बताना है कौन सा विचार शामिल नहीं था, नियोजन का, उदारीकरण का, सहकारी का या आत्मनिर्भरता का। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका नियोजन होगा, फर्स्ट का नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मेल कीजिए। तो चरण सिंह को मिलाना है हमें, फिर आता है CP महान नोवेस, फिर आता है बिहार का काल, फिर आता है वर्गीज कुरियन। तो इन सभी को हमें मिलाना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। चलो दोस्तों इन जोड़ी को मिला के आपको सभी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको मिलाना है, चरण सिंह में आपको दोस्तों कर देना है किसान। ठीक है, BC महान लोग इसको आपको कर देना है औद्योगिकरण, बिहार का काल जोनिंग और वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कक्षा 12वीं का आपका सॉल्यूशन था, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, UP, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, या आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन।